हेलो फ्रेंड्स, आज की साड़ी में हम बेल्ट बनाएंगे और फ्लावर बनाना देखेंगे। सो गाइस, अगर आपको बेल्ट और फ्लावर बनाना आता है तो भले ही आप वीडियो को लास्ट तक ना देखें, क्योंकि आज की साड़ी में मैं आपको बेल्ट बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप सिंपल साड़ी को स्टाइलिश लुक दे सकती है। सो हम उसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे और जो आप पल्लू में फ्लावर देख पा रहे हैं वही फ्लावर हम बनाएंगे और इन दोनों चीज़ से हम हमारी साड़ी को डिज़ाइनर लुक देंगे। सो गाइस, चलिए देखिए कि इन दोनों चीज़ों को बनाना कैसे है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टाइलिश सी साड़ी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। और गाइस, आज की साड़ी जो होगी उसके अंदर हम बेल्ट भी बनाएंगे, जिससे उसका लुक काफ़ी मॉडर्न आएगा, साड़ी बहुत स्टाइलिश लगेगी और बहुत ही सिंपली डिज़ाइन भी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, ये प्रिंटेड है और कॉटन में है। और गाइस, ये फैब्रिक जो है मैंने 3 मीटर लिया हुआ है और ब्लैक प्लेन फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी 5.5 मीटर की साड़ी रेडी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बनी रही हमारे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा 3 मीटर है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब आपको 5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए 5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। अब ये 5 इंच की पट्टी आप आपकी कमर की साइज़ नाप लीजिए सबसे पहले, कि आपकी कमर की साइज़ क्या है, उससे 10-12 इंच आप ज़्यादा ले लीजिए। मेरी जो कमर है 28 है, तो हम उसमें 12 ऐड करेंगे। ये हमारा बेल्ट बन रहा है, जो हम साड़ी में अलग से लगाते पहनते हैं, वही बेल्ट के लिए मैं कटिंग बता रही हूँ आपको। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। सो ये देखिए गाइस, मैंने 5 इंच पे मार्किंग कर ली है। मैंने अपनी कमर में कमर का जो नाप था उसमें 12 प्लस किया है और बेल्ट का मैं इतना ले रही हूँ। आपको जितना लंबा बेल्ट रखना है आप आपकी चॉइस के हिसाब से बेल्ट की साइज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके निशान लगा लिया है, क्योंकि मैं पूरा फैब्रिक जो हमारी साड़ी की लेंथ रहती है उतना पूरा फैब्रिक का बेल्ट बना रही हूँ। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। सो मैं ये पूरी लाइन कट कर दूंगी। सीज़र की हेल्प से हम इसे कट कर निकाल लेते हैं। ये सो गाइस, ये देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है, हमारी 5 इंचेस की पट्टी। अब इसे कैसे अटैच करना और इसे बेल्ट कैसे बनाना है, हम जो इसे बनाएंगे इसमें मेरा जो है कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए मैं कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपका कोई पतला फैब्रिक है या साटन का या कोई भी फैब्रिक ले रहे हैं तो आप कैनवास ज़रूर यूज़ करें, उससे आपके बेल्ट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सो मैं कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो आपकी राइट साइड है उसे आपको अंदर रखना है और रॉन्ग साइड ऊपर रखकर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से फोल्ड करकर हम इस तरफ मशीन लगाएंगे। सो मैं आपको मशीन लगाकर दिखाती हूँ कि इसे लगाना कैसे है और उस बनाएंगे। और हम इसके फ्रंट में एक फ्लावर भी बनाएंगे जो इस फैब्रिक का रहेगा, हमारे ब्लैक पल्लू में। सो गाइस, चलिए बेल्ट बनाने के बाद मैं आपको फ्लावर भी बताती हूँ। सो गाइस, ये देखिए मैंने बेल्ट का फैब्रिक ले लिया है। अब आपको बेल्ट बनाना कैसे है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो मेरा फैब्रिक है इसे मैं हल्का सा फोल्ड कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इतना फोल्ड कर लिया है। अब जो हम अंदर रख रहे हैं वो हमारी राइट साइड रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसे ऐसे ले लिया है और हम एक तरफ मशीन लगाएंगे। वैसे हम दोनों तरफ फिनिशिंग की मशीन देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक तरफ ही मशीन लगाएंगे। ये हम साड़ी के लिए बेल्ट रेडी कर रहे हैं। मशीन लगाना है। मैंने पूरी साड़ी की पट्टी कट की है। अगर आपको कम रखना है तो आप कम भी, बेल्ट की लंबाई या चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लूँगी मैं। इसी तरीके से पूरे बेल्ट में सिलाई लगाएंगे हम। गाइस, अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप कैनवास ज़रूर ले। कोई पुराना बेल्ट है तो आप उसे भी इसके अंदर डाल सकती है, ताकि बेल्ट अच्छा टाइट रहे। तो ये देखिए, मैंने पूरे में मशीन लगा ली है। अब मशीन लगाने के बाद अब हम इसे पलटेंगे। तो पलटना कैसे है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती है पलटने के लिए। इस तरीके से बेल्ट मोटा है इसलिए वो इजीली ऐसे भी पलट रहा है, वरना आप कोई पत्ती चीज़ या कोई पेचकस भी इस्तेमाल कर सकती है इसे पलटने के लिए, या आप सुई धागा ले सकती है।
तो मैं आपको पूरा पलट कर दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मैंने पूरा बेल्ट को पलट लिया है। अब पलटने के बाद आप इस पर आयरन ज़रूर घुमाइएगा ताकि आपकी फिनिशिंग आए इसमें जब भी आप मशीन लगाएं। तो आयरन घुमाने के बाद मैं इसके ऊपर ही मशीन लगा रही हूँ और सीधी तरफ पे ही मशीन लगा रही हूँ। ये मशीन हम दोनों तरफ लगाएंगे और ये मशीन कुछ इस तरीके से हमारे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देगी। तो इस तरीके से मैं पूरी में मशीन लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक तरफ मशीन लगा ली है। अब एक तरफ मशीन लगाने के बाद इस तरीके से आप कोनों में भी मशीन लगाएं, फिर ऐसे पलट कर हम दूसरी तरफ भी जो हमारी एक और तरफ बाकी है उसमें भी मैं पूरी में मशीन लगा दूंगी। तो गाइस इस तरीके से देखिए मेरा बेल्ट रेडी हो गया है। हम बेल्ट के हुक में इसे डाल देंगे। अब उसके बाद हम दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। हमारी जो साड़ी वाला फैब्रिक है कि देखिए मेरा ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक, इसे हम ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन कैसे करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अंदर वाली तरफ इस कॉटन वाले फैब्रिक की मेरी राइट साइड है और मेरी प्लेन ब्लैक साड़ी की भी अंदर राइट साइड है, ऊपर मेरी रॉन्ग साइड है। तो इस तरीके से लेकर सबसे पहले आप एक मशीन लगा देंगे जो हमारी इस तरफ रहेगी। मशीन लगाने के बाद इस तरीके से टर्न कर लेंगे और टर्न करके हम यहाँ भी एक फिटिंग की मशीन लगा देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए जिस तरीके से हमने बेल्ट में लगाई। तो इस तरीके से मैं मशीन लगा देती हूँ। अब उसके बाद गाइस मैंने 3 इंच लंबाई वाला और ये देखिए मैंने 28 इसकी चौड़ाई आ रही है, 28 चौड़ाई है और 3 इसकी लंबाई है। इससे हम पल्लू में जो मैंने फ्लावर अटैच दिख रहा है आपको साड़ी में, वो फ्लावर हम इससे क्रिएट करने वाले हैं। तो फ्लावर आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। मैं थोड़ा बड़ा ही फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि पल्लू जो होगा उसमें ताकि अच्छे से शो हो हम ऐसे इसमें टांके लगाएंगे। ये फ्लावर मैंने पल्लू में लगाया हुआ है। इसके पहले मैंने आपको इस साड़ी में वैसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेल्ट बनाना है और फ्लावर बनाना है जिससे साड़ी स्टाइलिश लगेगी। इस तरीके से आप कम मेहनत में एक स्टाइलिश साड़ी बना सकती है। इस तरीके से मैं पूरे में टांके लगा दूंगी। ठीक है गाइस एंड तक मेरे टांके आ चुके हैं। अब आपको इसे खींचना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे खींचेंगे तो एक फ्लावर शेप क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे खींचना है। मैं सिर्फ धागे को खींच रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्लावर क्रिएट हो गया है। अब फ्लावर क्रिएट करने के बाद हम इसमें पीछे इन दोनों को हमारी जो धागे जो निकली होने वाली साइड है उसे बैक साइड रखेंगे। इस तरीके से अब हम इस सुई धागे से ज्वाइन कर देंगे ताकि इसके धागे ना निकले। अब ये हमारी राइट साइड होगी। अब देखिए मैं सेंटर में ये बिट अटैच कर रही हूँ। आप जो अटैच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं सेंटर में ये बिट अटैच करूँगी और पल्लू में लगाऊंगी। तो इस बिट को भी हमें सिंपली इसी तरीके से अटैच कर लेना है। इस फ्लावर में बिट अटैच करने के बाद हम पल्लू को जमा लेंगे। जो हमारे शोल्डर की तरफ जो हमारा पल्लू जाता है उसी शोल्डर पर हम फ्लावर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पल्लू की प्लट्स लगा ली है। अब मैं इसे वियर कर देख लूँगी कि मेरा शोल्डर वाला कहाँ आ रहा है हिस्सा। तो जो शोल्डर वाला हिस्सा आ रहा है, शोल्डर जहाँ पे आता है हमारा मेन, वहीं पे मैं मार्किंग कर लूँगी और वो हमारा फ्लावर हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं शोल्डर वाले हिस्से पर मार्क कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने पल्लू की प्लट्स जमा ली है। अब हम फ्लावर को अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने शोल्डर वाले हिस्से पर निशान लगाकर फ्लावर को रख दिया है। अब हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। मैं बैक साइड अटैच कर रही हूँ ताकि धागे ना दिखे। इस तरीके से सुई और धागे की हेल्प से अटैच करेंगे इसे। हमें एक नोट लगा लेना है। हम 2 से 3 बार इसी तरह की आटे ले लेंगे और इसे अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स मेरा फ्लावर अटैच हो गया है। देखिए गाइस ये अटैच हो गया, हमारी साड़ी बनकर रेडी है। सिंपली हमने 2 चीज़ों से ये साड़ी को डेकोरेट किया है। सो गाइस आप इसका फाइनल लुक देखिए, साड़ी बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लग रही है। सो फ्रेंड्स इन 2 चीज़ों से आप भी आपकी साड़ी को इसी तरीके से स्टाइलिश लुक दे सकती है और बहुत ही स्टाइलिश साड़ी बना सकती है और उसे डेकोरेट कर सकती है सिंपली।
सो गाइज, आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।